वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज ये वीडियो हमारी वैगनआर पे या ऑल कार पे लागू होगी। तो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो हमारी कार का पावर विंडो या मैनुअल विंडो है ये स्टिकी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये घुमाने से भी इतना हार्ड लगता है या तो पावर विंडो में जल्दी से ऊपर नहीं आता ग्लास। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक WD-40 स्प्रे। ये हमारा मैनुअल है वैगनआर का विंडो। तो ये आप देख रहे हैं कितना स्टिकी हो गया है, हार्ड हो गया है, हाथ से घुमाने से भी ये घूमता नहीं है। पर इसमें क्या है कि ये साइड का जो इसका स्लाइड होता है ये हमारा जो ग्लास के साथ चिपक जाता है, क्योंकि हमारी ये कार जो है 10 साल पुरानी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और ऐसी वैगनआर पे बेसिक वीडियो रिपेयरिंग जो आप घर पे कर सकते हो, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो इसके लिए चाहिए WD-40 स्प्रे। ये हमारा एंटी रस्ट होता है, जो भी हमारा रस्ट पकड़ लिया है इसमें स्लाइड में वो स्प्रे से निकल जाएगा और हमारा स्लाइड जो है वो पहले से स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरीक़े से आपको इसको स्प्रे कर देना है दोनों ओर। हमको इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक ये बिना खोले ही रिपेयर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बाहर से ही स्लाइड को स्प्रे करेंगे और ये देखिए ये अंदर की ओर से भी मैं स्प्रे कर रहा हूँ इस तरह से। तो जहाँ जहाँ भी ये चिपकता है तो ये जो पार्ट होता है हमारा स्लाइड उसमें ही चिपकता है। अगर अंदर का मैकेनिज्म ठीक है तो हमारा यहाँ पे स्प्रे करने से ये हो जाएगा। ऐसे आप घुमाइए इसको ऊपर नीचे कीजिए, ताकि ये जो रस्ट पकड़ा हुआ है या तो इसमें कोई कोरोजन लगा हुआ है वो निकल जाएगा। तो मैंने ये 3-4 बार ऊपर नीचे किया, अभी ये देखिए उंगली से भी घूम रहा है, मतलब ये स्लाइड नीचे हो रहा है। ये ग्लास ऊपर उठाने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये देखिए, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये हो गया है। मतलब हमने जो स्प्रे लगाया विंडो में, ठीक है ना, वो स्प्रे से हमारा जो कोरोजन था निकल गया। हमको ये जो स्लाइड है वो ड्राई कपड़े से साफ कर लेनी है, इसको क्लीन करना है, कहीं पे भी ये WD-40 का स्प्रे रहे नहीं। तो ये स्प्रे हमारा जो है वो काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है। तो हम ये पावर विंडो है हमारी जो वैगनआर की आगे का जो विंडो है वो पावर विंडो है, तो इसको भी हम उसी तरह के से ये स्प्रे करेंगे। वैसे इस तरह से स्प्रे करेंगे ताकि सारा जो रस्ट पकड़ा हुआ है स्लाइड में वो निकल जाए और हमारी विंडो स्मूथ हो जाए। तो हमें किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर पे ही 2-4 मिनट में ही कर सकते हो। फ्रेंड्स हम वीडियो ऐसी बनाते हैं जो प्रॉब्लम हमारी कार में होता है, मतलब हम जो प्रॉब्लम हमने बेसिक फिल किया है वो हम उसका वीडियो हम इसी चैनल पे बनाते हैं, ताकि आपको पता चले और आप घर पे ही उसका सॉल्यूशन कर सके। आपको किसी मैकेनिक से ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी चैनल पे ऐसी बेसिक वीडियो और टूर्स एंड ट्रैवल्स, क्रिएटिविटी, ऐसी बहुत सारी एक ही चैनल पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगर आपके पास मिडिल क्लास फैमिली का कार है जैसे कि वैगनआर है, अल्टो है ऐसा, तो इसको रिपेयरिंग करने में आपको ज़्यादा हेल्प होगी ये चैनल से। तो फ्रेंड्स ये WD-40 स्प्रे हमारी बहुत काम की चीज़ है। अगर हम बाइक रखते हैं, कार रखते हैं, तो हमारी जो घर पे हम छोटा मोटा रिपेयरिंग करते हैं उसमें WD-40 स्प्रे बहुत काम यूज़फुल होता है। मैं इसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर ये स्प्रे बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप इसको घर पे लाके रख सकते हो। तो ये पावर विंडो आप देख सकते हो कि कैसे स्मूथ जा रही है, जो पहले से ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, हमें ये जो विंडो है बिना खोले हमने स्प्रे लगा के इसको सही कर दिया है।
तो ऐसा होता है अगर हमारी गाड़ी काफ़ी समय से पड़ी है या तो धूप में पड़ी है, मानसून में बारिश से भीगी है, तो इसमें रस्ट पकड़ लेता है, इसी वजह से हमारी ये जो विंडो है हार्ड हो जाती है। तो इसी तरीके से घर पे आप इसको ठीक कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू।